हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 टर्म वन से रिलेटेड टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में 100% फिक्स है कि जरूर रहेगा। तो वीडियो का पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहें। मैं आप लोग को शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि आप इन क्वेश्चंस को कम से कम समय में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर वन दिया है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द सम ऑफ रेशनल नंबर्स 15/4 एंड 5/40 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें सम लिखा गया है, तो इन दोनों का सम कर लेना है, 15/4 का और 5/40 का। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका 100% फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। इसके बाद क्या करना है, आप ऊपर में आप लोग को प्लस करने का जरूरत भी नहीं है। फिर पहले क्या करो, इन दोनों को बस आप एलसीएम निकालो, 4 और 40 का। तो 4 का टेबल में 40 आ जाता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसका फैक्टर आप कर ले। ये फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, ये 2 1 जा 2, 2 0 0, और फिर हो जाएगा 2 5 जा 10। इस तरह से 2 का पावर 3 हो जा, क्योंकि 1 2 3, 3 बार 2 आ रहा है और 1 बार 5, तो इस तरह से आया 2 का पावर 3 और 5। इस तरह से हो गया। अब इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर हमें दिखाई दे रहा है वो 3 है, दैट मीन्स कि इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको प्लस करने का भी जरूरत नहीं पड़ा और सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस, ये राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे अब दिया गया है, इफ साइन ए प्लस कॉस इज इक्वल टू रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। इस तरह का भी ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आपका 100% फिक्स रखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम इन दोनों में स्क्वायर कर देंगे, LHS और RHS में। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा गया साइन ए प्लस कॉस ए, इधर LHS वाला टर्म में इधर भी स्क्वायर करेंगे और रूट 3 वाले में भी स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का 1, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 1 लिख लिए, क्योंकि MCQ है तो आपको जल्दी जल्दी बनाना है, आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 1 लिख लिए। और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट रहा था, तो हम यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर लिए। अब 2AB होता है तो प्लस 2A, ए के जगह पे कितना है साइन ए और बी के जगह पे कितना है कॉस ए, ऐसे हो गया। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी रूट 3 इंटू रूट 3, रूट को अगर रूट के अंदर सेम सेम नंबर हो तो वो वही रह जाता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 रह जाएगा। अब ये वाला 1 इधर आके घट जाएगा, 3 में 1 घटा लेंगे तो 2 बच जाएगा, और इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, यानी 2 2 कट जाएगा, यानी साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए का डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 1 होगा। अब देखिए, मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें जो MCQ क्वेश्चन बनाना है वो आप जल्दी जल्दी कैसे बनाओगे वो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं सॉल्यूशन तो आपको करके बता ही दे रहा हूँ कैसे आप बना सकते हो। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन दैट साइन ए इज इक्वल टू 1/2, साइन ए का वैल्यू कितना दिया गया है 1/2, लिख लेते हैं, चलो साइन ए का 1/2। अब साइन कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो यहाँ पे हम इस तरह से साइन 30 डिग्री लिख लिए, ये साइन साइन कैंसिल हो गया, तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 30 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से हम कॉस बी से बी का वैल्यू निकालेंगे। अब कॉस कितना बराबर 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। ठीक है, तो कॉस कॉस उधर भी फिर से कैंसिल हो जाएगा और बी का कितना निकल जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना ए प्लस बी है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 30 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा 90, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 90। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, तो इसमें बताना है, ऑप्शन दिया गया है कि इंटरसेक्टिंग, एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, या फिर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, या फिर पैरेलल बनेगा जो ग्राफ है उसमें, तो ग्राफ में इनमें से क्या बनेगा। इसके लिए क्या करो, आपको ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा वो आप लोग बस ध्यान रखो, A1/A2 होता है, आपने 2-3 फॉर्मूला पढ़ा होगा जैसे यूनिक सॉल्यूशन का, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस का,
पैरेलल लाइंस का, कोइंसिडेंट का, तो वो वाला बस आप लोग ध्यान में रखो। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए वन बाई ए टू 6/2, फिर यहाँ पे बी वन बाई बी टू यानी कि -3/-1 और सी वन बाई सी टू यानी कि 10/9। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 3 6। यहाँ पे आप देखोगे कि ये 3 3 मिल रहा है, यानी ये दोनों इक्वल हो रहा है, लेकिन ये तो कैंसिल नहीं होगा, यानी ये नॉट इक्वल है। और एक यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग का बन रहा है कि ए वन बाई ए टू इक्वल टू आ रहा है बी वन बाई बी टू और नॉट इक्वल टू आ रहा है सी वन बाई सी टू। तो ये वाला ग्राफ आपका कब बनता है, आप लोग ये वाला फॉर्मूला आपने कब पढ़ा होगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान दो। ये तब होता है जब लाइन पैरेलल होता है, ठीक है। ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू कब होता है, जब लाइन पैरेलल होगा। कोइंसिडेंट होता है तो ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू होगा, और एग्जैक्टली वन पॉइंट का होता है ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको ये बहुत अच्छे से ये एक चार्ट बना के दिखाया गया किताब में भी, और मैंने भी आपको एक वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, पैरेलल बन जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है द नंबर 0.121212 और ये डॉट 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 कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बार दे देगा, और इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लाना है। तो देखो इसको बनाने के लिए आप इसमें शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं, और इसको आप एक्स मान के लंबे तरीके से भी बना सकते हैं। तो एम सी क्यू बनाना है तो इसको हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में कैसे बनाएंगे, सिंपली क्या करेंगे, देखो इसमें क्या किया जा रहा है कि 1212 रिपीट हो रहा है, तो दो डिजिट में रिपीट हो रहा है, इसलिए नीचे बस 2 9 लगा देना है और इसको कैंसिल कर ले। ये 3 का टेबल में आ जाएगा, 3 4 12 और 3 3 9, तो कितना निकल गया, 4/33। ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ज़्यादा बनाने का जरूरत ही नहीं है, अगर आप पूरा बनाने जाओगे प्रोसेस से तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा बनेगा, ठीक है, इसमें आपका समय भी लगेगा। डायरेक्ट इसमें जितना में बार है, जैसे 1212 रिपीट हो रहा है तो दो डिजिट में 1212 रिपीट हो रहा है, डायरेक्ट हम 2 9 लगा देंगे नीचे में। अगर 3 में रिपीट होता तो हम नीचे में 3 0 लगा के कैंसिल कर देंगे। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आगे आते हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया, आप देखो यहाँ पे हम इस तरह से एक फिगर बना लेते हैं, 7 और जो 5 कोऑर्डिनेट है ये कहाँ लाए होगा, लगभग मान के चलो यहाँ पे ये 5 है वाई एक्सिस में, ये वाई का वैल्यू 5 और इधर वाला जो होता है वो एक्स का वैल्यू होता है यहाँ पे 7। फर्स्ट वाला एक्स का वैल्यू, ये फर्स्ट वाला एक्स का वैल्यू और सेकेंड वाला वाई का वैल्यू होता है। तो ये एक्स एक्सिस है तो एक्स की जगह 7 लिख दिए, ये वाई एक्सिस है तो वाई की जगह पे 5 लिख दिए, तो 7 और 5 लगभग यहाँ पे मीट करेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक्सिस से इस वाले कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, तो मान के चलो यहाँ पे लाइज होगा, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बनाना, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये देखो 5 ही है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 होगा। इसमें कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसमें वाई एक्सिस लिख देता तो हम आंसर 7 लिख देंगे, यानी शॉर्टकट में अगर आपको बनाना होगा बिना किसी ड्राइंग का, बिना किसी फिगर का, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि डिस्टेंस निकालना किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से, तो वाई वाला आंसर हो जाएगा यानी कि 5 आंसर होगा, और अगर वाई एक्सिस लिखा हो रहा था तो 7 आंसर होता, मतलब उल्टा कर देना है, ठीक है। एक्स एक्सिस में वाई वाला आंसर होगा और वाई एक्सिस के लिए एक्स वाला कोऑर्डिनेट वाला आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी का कोई भी इवेंट नहीं होता है, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% फिक्स का मैं इसमें गारंटी लेता हूं कि ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी का रूल ध्यान में रखना है कि कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा और निगेटिव में नहीं होता है। हमेशा इसमें क्या होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो ग्रेटर रहेगा न्यूमरेटर से, हमेशा न्यूमरेटर से जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर रहेगा। तो 1/5 ये तो सही है, ये तो इवेंट होगा प्रोबेबिलिटी का। 0.4 तो पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के जगह पे 1, इसके बाद एक नंबर है 10, तभी भी देखो डिनोमिनेटर ज्यादा आ रहा है, ये भी इवेंट होगा।
4% परसेंट को तोड़ते हैं तो नीचे 100 आता है, अभी भी डिनोमिनेटर ज्यादा आया, और इस वाले क्वेश्चन में देखो तो डिनोमिनेटर कम है, सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं होगा, ये 1 से ज्यादा हो जा रहा है। अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे 8 को 9 से, इस तरह 9 को 8 से इस तरह डिवाइड करोगे तो 8 वन जा 8 आएगा, 9 में 8 घटाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे 0, और 8 वन जा 8 1.1, यानी कि 1 से ज्यादा आ जा रहा है, सो प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। सो 8 नंबर दिया गया है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी। अब इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि थोड़ी से अलग क्वेश्चन है, आपको ये किताब में भी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी यानी कि पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिखना नहीं है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब ये वाला पी अगर इधर आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है, 1 माइनस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, द लाइन एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 6 मीट्स द वाई एक्सिस, इसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। तो इसमें देखो क्या करना है, x का इसमें से कोई भी वैल्यू लो, और y से इसमें से हम क्या करेंगे, ऑप्शन चुन के बनाएंगे। जैसे अभी बताए हम कि जैसे 0 और 1 है, तो x वाला फर्स्ट वाला x का वैल्यू होता है, सेकेंड वाला y का वैल्यू होता है। तो x के जगह पे अगर हम यहाँ 0 पुट कर दिए, प्लस y के जगह पे हम 1 पुट कर दिए, 3 वन जा 3, तो ये 3 होगा। तो यहाँ पे इसमें से कुछ ऐसा ऑप्शन लेना है जिससे कि RHS वाला जो टर्म में पुट करने पे इधर वाला सॉरी अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 मीट्स द y एक्सिस, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है, कौन सा y एक्सिस पे मीट करेगा ये वाला लाइन, ठीक है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसमें से ऐसा वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस लेके बनाना है। जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का वैल्यू होता है, और वाई वाला जो सेकेंड वाला जो होता है वो वाई का वैल्यू होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस ये जो LHS वाला टर्म है x प्लस 3y, तो x प्लस 3y में ये सारे वैल्यू पुट कर करके देखने हैं कि इसमें से कौन सा वैल्यू पुट करने पे ये 6 आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम 0 और 1 को इस LHS वाले टर्म में पुट करेंगे, 0 प्लस 3y, तो x के जगह पे 0 पुट किए और y के जगह पे 1 पुट किए, तो 0 का 0 ही रह जाएगा, 3 बन जाए ये क्या हो जाएगा, 3 रह जाएगा, तो 6 तो आया नहीं, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 0 और 2 पुट करेंगे तो फिर से 0 और y का वैल्यू 2 पुट कर दिया, देखो 3 2 6 हो गया, प्लस 0 करेंगे 6 ही रह जाएगा, RHS वाला टर्म मिल गया। सो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन लेके बनाना है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को पुट करके देखना है, RHS वाला टर्म आ जाएगा तो ये आपका आंसर जो होगा वही हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में आने के हाई चांसेस हैं, तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग जरूर कर ले। और एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमने लिया हुआ है केस स्टडी बेस से रिलेटेड, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जब भी आप केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को देखो तो जो भी चीजें शुरू में होती है वो आप बिल्कुल भी ना पढ़ो, डायरेक्ट आप लोग क्या करो जो MCQ क्वेश्चंस है वो निकालो और उसको बनाने का कोशिश करो, और नहीं समझ में आए फिर आप लोग को फिगर वगैरह या फिर ऊपर में पढ़ना है, ये टिप्स है केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को बनाने का। तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, द शेप इन विच वायर इज बेंट इज, इस तरह के शेप को हम क्या कहेंगे, इस तरह के शेप को हम क्या कहेंगे, तो जो यू शेप होता है चाहे ऐसे हो या फिर ऐसे हो, तो इसको हम कहते हैं पाराबोला। सो राइट आंसर क्या होगा, पाराबोला, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे इसको आप ए बी सी डी कर सकते हैं, टेन का ए टेन का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलीनोमियल शेप ऑफ द वायर, तो यहाँ पे ये जो वायर है इसमें कितना जीरोज है ये हमें फाइंड करना है। तो आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे ये वाला वायर कितने जगह पे टच हुआ है, तो यहाँ पे एक बार टच हुआ है और एक बार यहाँ पे टच हुआ है, यानी दो बार टच हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अब इसमें जो जीरोज हम लोग जो जीरोज निकाला तो वो दोनों जीरोज कौन कौन से हैं,
ठीक है, वो हमें पता करना है। तो किस किस जगह पे ये टच हुआ है ये देख ले, एक बार माइनस वन पे टच हुआ और एक बार थ्री पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस वन और थ्री। ठीक है, अब इसी का हमें क्या करना है, एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बनाना है। तो जैसे अभी ऑप्शन हमने ये चुना था माइनस वन और थ्री, यानी कि इसमें से आप एक ले लो अल्फा का वैल्यू माइनस वन और एक ले लो बीटा का वैल्यू थ्री। अब पोलिनोमियल का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह पे माइनस वन, बीटा की जगह पे यहाँ पे थ्री पुट की दिए, ठीक है, यहाँ पे एक्स होता है और प्लस होता है अल्फा बीटा ऐसे। तो अल्फा की जगह पे जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिया था माइनस वन नोल ले लेते हैं और बीटा की जगह पे थ्री ले लेते हैं, यहाँ डबल साइन आ रहा है तो इसको हम ब्रैकेट में लिए। ये एक्स स्क्वायर जैसे का वैसे ही होगा। अब यहाँ पे देखो तीन में एक हटाएंगे तो दो होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दो हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस टू और ये एक्स जैसे का वैसे ही होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, वन थ्री जा थ्री, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री ये राइट आंसर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस थ्री, ये ऑप्शन सी। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल इफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स का वैल्यू टू होगा तो उसका वैल्यू क्या निकलेगा पॉलीनोमियल का। तो इसमें क्या करना है, जहां पर एक्स है वहां पे बस टू पुट कर देना है, जैसे ये वाला हम लोग का राइट आंसर आया था, ठीक है, सी वाला, तो इसमें एक्स का वैल्यू हम टू पुट करेंगे, तो टू का स्क्वायर यानी कि फोर माइनस है, फिर यहाँ पे टू पुट किए तो टू टू जा फोर हो जाएगा और फिर से माइनस है और ये थ्री है, तो चार में चार हटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, ये सिर्फ बच जाएगा माइनस थ्री। सो ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह की वीडियोस मैं लाता रहूँगा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, बाकी भी सब्जेक्ट के, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट से मैं आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।